Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to this first year class date 3/5/2021. In this class, we will discuss about a chemical series. It's written as ECS or EMF series, electromotive force series. The series obtained by arranging the substances, chahe wo elements ho, compounds ho, ya ions, in the increasing or decreasing order of their oxidation potential or reduction potential. Agar hum substances ko arrange kar le in the increasing order of their oxidation potential or in the decreasing order of their oxidation potential or in the increasing order of their reduction potential or in the decreasing order of their reduction potential, char tarikon se arrange karte hain. To is series ko hum char tarikon mein se ek ke zariye arrange kar rahe hain, तो हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं. लेकिन पर आईपेक रिकमेंडेशंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लेकिन आईपेक वालों ने, इंटरनेश्नल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने ये रिकमेंड किया है कि बजाय चार तरीकों से अरेंज करने से सिर्फ एक तरीके से अरेंज किया करें, और वो क्या है कि सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद पर, और वो भी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप वाला जब आप देखते हैं वो कम होना चाहिए, नेक्स्ट उससे ज्यादा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट उससे ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट उससे फर्स कर लें. Electrochemical series of lithium, H2O, zinc, hydrogen, copper and fluorine. ये मैं लिखना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरह लिखना चाहिए. इनमें से जिसकी सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल हो पहले वो लिखना चाहिए. लिथियम की सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज इक्वल टू -3.04. सबके मुकाबले में अगर आप देखें वो कम, तो इसीलिए इसमें मैं उसको मैंने टॉप पे लिखा. उसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O वो उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है उसकी इनिशियल है, लेकिन बाकी से ये कम है. फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक है -0.76 से ज्यादा. फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वो 0 वोल्ट है, ये उससे ज्यादा है. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर +0.34, ये 0 से ज्यादा है. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन +2.87, ये कॉपर से ज्यादा है. तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया इन सब्सटेंसेस का. सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर आप देख लें ये कम है, ये इससे ज्यादा है, फिर ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो ये डिफिनेशन हो गया ये आईपेक की रिकमेंडेशन के मुताबिक तक ये डेफिनेशन. ये उसकी रिकमेंडेशन क्या है कि सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद पर लिखना चाहिए, वो भी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिखना चाहिए. और ये इसका एक एग्जांपल हो गया कि फर्ज कर ले मैं इन सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखना चाहता हूँ, तो वो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ दिस सब्सटेंस. अब उनका भी हो सकता है ज्यादा कर सब्सटेंसेस तो बहुत ज्यादा है, तो उन सब का जब आप लिखते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. कम का लिखना चाहते हैं, पांच छह का लिखना चाहते हैं.
projects are related account or an activity series. So, this is a special type of electrochemical series. यानी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक खास टाइप है. किस किस्म की खास टाइप? कंसिस्टिंग ऑफ मेटल्स, जिसमें मेटल्स हो एंड हाइड्रोजन ओनली, जिसमें मेटल्स और हाइड्रोजन हो, नॉन मेटल्स नो, कंपाउंड नो उसमें. मसलन इसमें तो ये मेटल है लेकिन ये नॉन मेटल है, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, इसमें तो सारे आ गए कि ये कंपाउंड है, कंपाउंड भी आ गया. अगर हम इसमें से सिर्फ मेटल्स और हाइड्रोजन लिख लें, ये लिख लें ये न लिख, ये लिख लें ये लिख लें ये लिख लें फिर ये न लिख, तो बाकी सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं. इसमें सिर्फ मेटल्स हो और हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स न हो उसमें और कंपाउंड न हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? एक्टिविटी सीरीज है, अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन ओनली. और फॉर एग्जांपल एक्टिविटी सीरीज ऑफ लिथियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर एंड एजी विल बी एज फॉलोज. इसकी एक्टिविटी सीरीज किस तरह है? हम उस तरह लिखेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल इनको लिखेंगे. और फ्रॉम टॉप टू बॉटम मसलन मैंने ये लिखा है इनर्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इनर्ट रेट ऑफ लिथियम सबसे कम है वो मैंने टॉप पे लिखा, फिर उससे ज्यादा जिंक का है इनर्ट रेट वो मैंने लिखा, फिर उससे ज्यादा हाइड्रोजन का है वो मैंने लिखा, फिर उससे ज्यादा कॉपर मेटल का है, फिर उससे ज्यादा एजी का है प्लस 0.3. तो ये एक्टिविटी सीरीज भी इसको कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी है लेकिन साथ साथ एक्टिविटी सीरीज भी. ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको आप एक्टिविटी सीरीज नहीं कह सकते. अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन इसके ज्यादा है, मैंने सिर्फ तीन लिखे. पहला क्या है? Classification of metals on the basis of their equilibrium. Classification of metals on the basis of their equilibrium. मैंने ये क्लास बनाया है very active metals. दूसरा बनाया है metals of intermediate activity. तीसरा बनाया है moderately active metals. चौथा बनाया है moderately noble metals. पांचवा बनाया है वेरी नोबल मेटल्स. तो इक्टियो मेटल्स, इन सब की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज मुख्तलिफ होंगी, हर क्लास की दूसरे से मुख्तलिफ होंगी. तो जो इक्टियो मेटल्स है उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज कम होगी, वो सबसे कम होगी. वेरी इक्टियो मेटल्स रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज कम होगी, लिथियम रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में कम है, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बाकी सब मेटल्स के मुकाबले में कम हो वो वेरी एक्टिव मेटल होगा. वेरी एक्टिव मेटल सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आप एग्जांपल दे सकते, वो ज्यादा एक्टिव है. मेटल्स ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिविटी, फिर इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इस क्लास से निस्बतन ज्यादा हो, और इसमें ग्रुप सेकंड का एलिमेंट मैग्नीशियम है, ग्रुप थर्ड का एल्युमिनियम है, और ट्रांजिशन एलिमेंट में से जिंक की मिसाल दे सकते हैं और कुछ. मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स, फिर इनकी रिडक्शन पोटेंशियल इस क्लास से निस्बतन ज्यादा हो, और इसमें कोबाल्ट, निकल और लेड आप मिसाल दे सकते हैं. मॉडरेटली नोबल मेटल्स, फॉर एग्जांपल कॉपर, एजी और एजी, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू फिर मॉडरेटली एक्टिव मेटल से निस्बतन ज्यादा हो, और वेरी नोबल मेटल्स उनमें प्लेटिनम है और गोल्ड है, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल
फिर मॉडरेटली नॉर्मल मेटल से नस्बत ज़्यादा होगी। तो इस बुनियाद पर इसके पांच क्लासेस बनाए गए हैं। तो आप कम अज़ कम ये क्लासेस के नाम वेरिएंट किलोमीटर मेटल का मीटर वेरिएंट एक्टिविटी और मॉडरेटली एक्टिव मेटल और मॉडरेटली नॉर्मल मेटल वेरी नॉर्मल मेटल। और ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर की गई है? ऑन द बेसिस ऑफ the values of their reduction potential, on the basis of the values of their reduction potential, जिनकी reduction potential बहुत ज़्यादा काम हो उसको वेरी इक्योमीटर कहा गया। फिर दूसरे नंबर पे जो आता है वो मेटल्स ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिविटी, तीसरे नंबर पे मॉडरेटली इक्योमीटर, चौथे नंबर पे मॉडरेटली नोबल मेटल और पांचवें नंबर पे वेरी नोबल। एक एप्लीकेशन इसकी यहाँ पर है कि मेटल्स को क्लासीफाई किया। Determination of either cell, voltage of cell, electro या cell potential हम उसकी मदद से मालूम करते हैं। तो जो भी cell होगा उसमें दो reaction होंगे, oxidation होगा और reduction, एक substance की oxidation होगी और एक की reduction होगी। तो inner cell किस चीज के बराबर होगा? Oxidation potential of substance oxidized सेल के अंदर जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप नोट कर लें, और उस सेल के अंदर जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस रिड्यूस, ये दोनों जमा कर लें तो इसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। इसकी मदद से हम सेल पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं सेल पोटेंशियल, वोल्टेज ऑफ द सेल। तो ये फिजिकल एप्लीकेशन प्रिडिक्शन पेशेंटुया कर सकते हैं, उसमें से मैंने सिर्फ दो लिए। पहला ये है फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स इंजेक्शन, जो रिडॉक्स इंजेक्शन हो कि ये फिजिबल होगा या फिजिबल नहीं होगा, या होगा खुद ब खुद या नहीं हो सकता। ये मसलन ये इंजेक्शन है जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर गिव्स, ये विजिबल होगा या नॉन विजिबल, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, विजिबल का ये मतलब। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन होती है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट, कॉपर की रिडक्शन हुई है ये प्लस टू है, कॉपर एटम की शक्ल में है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये दोनों जमा कर ले वोल्ट आता है। किसी रिएक्शन में इस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले ले, और जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले ले, दोनों को जमा कर ले, अगर उससे पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये रिएक्शन फिजिबल, अगर उससे नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप लिख सकते हैं कि ये नॉन फिजिबल। मसलन ये इस रिएक्शन को आप उलट कर फिर ये नॉन फिजिबल बन जाए, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि ये फिजिबल है। मुकाबले में यही रिएक्शन आप उलट अंदाज में लेंगे, जिंक आयन है आपके पास, दस कॉपर गिव्स जिंक एटम प्लस कॉपर आयन, तो ये नॉन फिजिबल क्योंकि इसका ये -1.10 आ जाए नॉन फिजिबल, फिजिबल और नॉन फिजिबल के बारे में बता सकते हैं। ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं, उस रिएक्शन को आप लिख लें, रिएक्टेंट्स लिख लें, प्रोडक्ट्स लिख लें और उसमें सब्सटेंस मालूम कर लें कि इसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी रिडक्शन, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लें और जिसकी रिडक्शन होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लें, दोनों को जमा कर लें। अगर उससे
पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा। इफ ई नॉट रिएक्शन किस चीज के बराबर होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है उसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है उसका रिडक्शन। इस पॉजिटिव द रिएक्शन इज फिजिबल अदरवाइज नॉट। इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आता है तो ये फिजिबल है, ये रिवर्स रिएक्शन पर नॉन फिजिबल। दूसरा प्रिडिक्शन क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मेटल फ्रॉम साल्ट बाय अनदर मेटल, कि एक साल्ट है उसमें से एक मेटल को निकालना है और उसकी जगह दूसरा मेटल डालना है, वो भी आप यही मिसाल दे सकते हैं। कॉपर आयन है, कॉपर सल्फेट साल्ट आपने, कॉपर सल्फेट साल्ट में से किया जिंक कॉपर को निकाल सकता है, तो फिर आप ये कर लें, ये दो चीजें जमा कर लें। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है यस जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट, यस जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर आयन फ्रॉम या कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये मेटल अगर साल्ट के अंदर हो तो ये इसमें से निकल सकता। अगर इस तरह रिएक्शन है कि आपके पास जिंक सल्फेट है और कॉपर के साथ इसका रिएक्शन करना चाहते हैं, तो किया ये कॉपर इस काबिल है कि जिंक को निकाल ले, क्योंकि इसका अगर आप जमा कर लें तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए नो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट। तो ये दो प्रिडिक्शंस और भी प्रिडिक्शंस की बुनियाद पर हो सकते हैं, सिर्फ ये दो काफी है इस लेवल के लिए। तो आज जो टॉपिक था ये स्मार्ट सिलेबस का आखिरी टॉपिक था, स्मार्ट सिलेबस मुकम्मल हो गया। खुदा हाफिज़।